शहर में कुछ दूध डेयरियों से बासी दूध मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक शिकायत की जांच करने के लिए गुरुवार सुबह 11:30 बजे खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम बस स्टैंड पहुंची। यहां से सैंपल एकत्र किए गए जिसे जांच के लिए भोपाल लैबोरेटरी भेजा जाएगा। दरअसल एक ग्राम इरफान बागवान ने खाद्य एवं औषधि विभाग को शिकायत की थी कि बस स्टैंड स्थित सरस्वती दूध डेयरी में 2 दिन से बासी दूध मिल रहा है। एक दिन पहले भी इसकी शिकायत की गई थी। गुरुवार को फिर शिकायत सामने आने पर खाद्य एवं औषधि विभाग इंस्पेक्टर कमलेश डावर बस स्टैंड पहुंचे और जांच की। यहां से सैंपल जुटाए गए श्रीखंड भी चेक कर देखा। दुकानदार सचिन शाह ने कहा, हम जो दूध कलेक्शन करते हैं वैसा ही बेचते हैं, गर्म करके चेक करते हैं, लेकिन चेकिंग दूसरे दिन की जाती है। एक जगह से आया दूध फट रहा था तो हमने उसे वापस कर दिया था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग अधिकारी कमलेश डावर ने कहा, जांच के लिए सैंपल ले लिए गए हैं, इसे जांच के लिए भोपाल लैबोरेटरी भेजा जाएगा। अगर वहां से गड़बड़ी मिलती है तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ द्वारा बास एकदम बास आ रही है, बच्ची पी रही है तो उल्टिया कर दे रही है, 2 दिन से लगातार उल्टी भी हो रही है। इस पे कभी जांच नहीं होती, मैं सीएम हेडलाइन में भोपाल में शिकायत करूंगा। सब दूध ठंडा करके दे रहे हो और फ्रिज में रख के दूध रख के दे रहे ठंडा, जबकि ताजे दूध आता ये ठंडा दूध करके दे रहे लोगों। ये दूध कभी जो हम दूध कलेक्शन करते हैं ना, ये दूध वाले जो दूध लाते हैं हम वैसा ही बेचते हैं। हम गर्म करके चेक करते हैं, किसी ने शिकायत करी तो हम दूसरे दिन चेक करेंगे उसको। हाथों हाथ तो चेक नहीं हो सकता हो, तो दूसरे दिन हमने चेक किया, उसका दूध फट रहा था तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो हम यहाँ डेयरी पे आए हैं, ये कंप्लेन जिन्होंने शिकायत करी इनको बुलाया, इन्हीं के सामने हम सैंपल ले रहे हैं। इसको जाँच के लिए हम भोपाल भेजेंगे। अगर इसमें किसी तरह की मिलावट पाई गई तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।